तो गाइस अगर आप एक नया स्मार्टफोन लेने वाले हो या फिर लेने के बारे में सोच रहे हो या फिर लेने जा रहे हो तो भाई ये वीडियो आपके लिए है। थोड़ा सा रुक जाओ, दिल थाम के ये वीडियो देख लो, उसके बाद आप डिसाइड करना आपको कौन सा मोबाइल लेना है। क्योंकि आज इस वीडियो में ना मैं आपको पांच ऐसा स्मार्टफोन बताने वाला हूं जो कि इंडिया के हर जगह में आपको मिलने वाला है, चाहे ऑफलाइन मार्केट में या फिर ऑनलाइन मार्केट में, मतलब फ्लिपकार्ट अमेजोन पे भी मिलेगा, स्टोर यानी दुकान में भी आपको मिलेगा। लेकिन ज्यादातर भाई लोग भाई गलती करने वाला है, मुझे पता है, क्योंकि ज्यादातर यूजर को भाई टेक के बारे में उतना पता नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर कुछ फोन ऐसा है जो कि ब्रांड के नाम से चलता है और कुछ फोन तो भाई दुकानदार आपको चिपका देता है, भाई ये फोन ले लो ये बेस्ट होगा। लेकिन आज इस वीडियो में ये पांचों स्मार्टफोन के बारे में डिटेल्स में जान लो, उसके बाद ही भाई परचेस करना, क्योंकि लेने के बाद पछताने का कोई फायदा नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। तो पहला स्मार्टफोन Realme 12 5G जो कि आज इंडिया पे ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। दोस्तों फोन का जो प्राइस है दो ब्रांड में आया है, एक तो 6GB 128GB जिसका प्राइस रखा है 17,000 और एक 8GB 128GB के साथ आया है जिसका प्राइस रखा है 18,000। देखो ये फोन चाहे ऑफलाइन मार्केट में या फिर ऑनलाइन मार्केट में हर जगह में काफी ज्यादा बिकने वाला है, क्योंकि Realme का एक नाम है, ब्रांड है भाई, तो Realme का नाम से ये फोन ज्यादा बिकने वाला है, ये मुझे पता है। लेकिन दोस्तों ये गलती बिल्कुल भी मत करना, Realme 12 5G जो आया है बिल्कुल भी परचेस मत करना, क्योंकि यहां पर जो चिपसेट है भाई MediaTek Dimensity 6100 चिपसेट, ये चिपसेट बहुत ही सस्ता वाला चिपसेट है भाई। जिस बजट में आया है फोन 17-18 हजार में, ये चिपसेट मुझे लगता नहीं है कि भाई एक अच्छा चिपसेट है, मतलब आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। और साथ में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, भाई आप सच में इतना बेवकूफ हो कि भाई 17-18 हजार देके 8 मेगापिक्सल वाला सेल्फी कैमरा वाला फोन लोगे? मुझे तो नहीं लगता है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं भाई, चाहे ऑफलाइन मार्केट में या फिर ऑनलाइन मार्केट में जहां पर भी मिले ये फोन बिल्कुल भी मत परचेस करना। सेकंड फोन Realme का ही है 12 Plus 5G जो कि आज ही इंडिया पे लॉन्च हुआ है। ये फोन भाई दो ब्रांड में आया है, 8GB 128GB प्राइस रखा है 21,000 और 8GB 256GB जिसका प्राइस रखा है 22,000। अब देखो 22,000 के बजट में भी ये फोन काफी तगड़ा मार्केट करेगा, क्योंकि Realme का एक ब्रांडिंग है और साथ में यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 दे दिया है और कंपनी की तरफ से ज्यादा प्रमोशन किया जा रहा है कि भाई कैमरा यहां पर बढ़िया मिलेगा। जी हां, कैमरा आपको ठीक ठाक मिल सकता है, लेकिन यहां पर जो चिपसेट है ना MediaTek Dimensity 7050, जो लोग गेमर हो, गेमिंग मतलब ज्यादा करते हो, डेफिनेटली ये फोन उसके लिए नहीं है, क्योंकि यहां पर फारू गेमिंग आप नहीं कर पाओगे। और ये वाला चिपसेट भाई आपको 17-18 हजार में मिल जाता है मार्केट में दूसरा फोन अगर आप देखोगे तो 22,000 देके आप ये वाला चिपसेट वाला फोन लोगे मुझे थोड़ा सा बेवकूफी लगेगा। अगर आपका मतलब गेमिंग उतना इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप चेकआउट कर सकते हो, बट मैं कहूंगा 22-23 हजार में ना दूसरा ब्रांड का और भी बेहतर कैमरा, बेहतर चिपसेट या फिर कर्व डिस्प्ले वाला फोन भी आपको मिल जाता है। और थोड़ा सा पैसा अगर ऐड कर दोगे ना तो प्रो वाला वेरिएंट भी आपको Realme का मिल जाता है, मतलब 12 प्रो की बात कर रहा हूं। तो इसलिए मुझे ये भी फोन इस बजट में थोड़ा सा बकवास लगा, लेकिन आपको कैसा लगा वो कमेंट करना। अब भाई Samsung का फोन, Samsung का A15 आया है, कुछ ही दिन पहले इंडिया पे लॉन्च हुआ है, प्राइस रखा है दो ब्रांड का 4GB 128GB का भाई 13,000 और यहां पर 6GB 128GB आया है जिसका प्राइस रखा है 14,500। अब देखो 13,000 में 4GB वाला फोन कौन लेगा भाई, पहला तो मुझे ये मतलब नेगेटिव चीज लगा। दूसरी बात, फोन में वाटर ड्रॉप नोज डिस्प्ले है। अब जिसको पुराना वाला मतलब लुक अच्छा लगता है वो ठीक है, बट मुझे पर्सनली पंचोल अच्छा लगता है भाई, वाटर ड्रॉप नोज तो अभी के टाइम में हटा दो, साइड में रखो भाई। एमोलेड है लेकिन भाई 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होना चाहिए, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट अभी के टाइम में मुझे थोड़ा सा बकवास लगता है। तो जो लोग सैमसंग लवर हो या फिर घर में मम्मी पापा को फोन देना चाहते हो उसके लिए तो ठीक ठाक है, लेकिन भाई जिसको जबरदस्त फीचर्स चाहिए और इसी बजट में, तो भाई दूसरा ब्रांड का फोन देख लो, ये फोन भी मुझे बकवास लगा। नेक्स्ट फोन नथिंग की तरफ से, नथिंग फोन 2A आज इंडिया में लॉन्च हुआ है। मुझे पता है आप लोग अनबॉक्सिंग वगैरह देख लिए होंगे, लेकिन गाइस तीन ब्रांड में फोन आया है, बाकी जो टॉपर वाला ब्रांड है 12GB 256GB उसको साइड में रखते हैं, क्योंकि उस बजट में इस फोन को लेना बिल्कुल भी बकवास होगा। और जो 8GB 128GB आया है उसका प्राइस रखा है 24,000 और 8GB 256GB का 26,000 प्राइस रखा है। अब देखो इस बजट में जो चिपसेट के साथ आया है वो ठीक है, MediaTek Dimensity 7200 चिपसेट है, लेकिन इस फोन के साथ भाई मतलब सुनने को मिल रहा है कि भाई चार्जर नहीं दिया जा रहा है, तो ये मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। और एक चीज मुझे अच्छा नहीं लगा, इसका बैक साइड का कैमरा, मतलब जो कैमरा मॉड्यूल है या फिर जो डिजाइन है वो मुझे पसंद नहीं आया, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको शायद अच्छा लग सकता है। बाकी जो फीचर्स वगैरह है, चाहे डिस्प्ले देख लो, चाहे यहां पर बैटरी देख लो या फिर कैमरा वगैरह देख लो, वो ठीक ठाक दिया है, लेकिन यहां पर कर्व डिस्प्ले होता तो ज्यादा बेहतर मुझे लगता है। तो नथिंग फोन 2A इस बजट में एक ठीक ठाक वाला फोन मैं कहूंगा, ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कहूंगा, क्योंकि इसका डिजाइन मुझे अच्छा नहीं लगा और साथ में यहां पर कर्व डिस्प्ले नहीं है और चार्जर नहीं दे रहा है बॉक्स में। बाकी फीचर्स
वगैरह तो ठीक ठाक है, लेकिन आपको ये फोन कैसा लगा, आप लेना पसंद करोगे या फिर नहीं कमेंट करना। बाकी अगर आप गेमिंग या फिर कैमरा वाला फोन चाहते हो तो चेकआउट कर सकते हो, बाकी दूसरा ब्रांड भी इसी तरीके से फीचर्स दे देता है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों सैमसंग का M14 लॉन्च हुआ है, जो कि 4G के साथ आज इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो कि दो वेरिएंट में आया है, 4GB 64GB वाला प्राइस रखा है 8500 और 6GB 128GB का प्राइस रखा है 11500। देखो ये भी फोन मुझे थोड़ा सा बकवास लगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले है, बट क्वालकॉम का 480 वाला चिपसेट दिया है, जो कि मुझे ठीक नहीं लगा। और जो लोग सैमसंग लवर हो या फिर घर में मतलब यूज करने के लिए फोन लेने वाले हो तो ये फोन आप चेकआउट कर सकते हो, अदरवाइज इसको भी आपको स्किप करना है, चाहे ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कहीं पर भी आपको मिले, क्योंकि इस बजट में दूसरा ब्रांड और भी बेहतर फीचर्स आपको दे देता है। तो ये था 5 स्मार्टफोन जो कि इंडिया पे लॉन्च हो चुका है, एक दो दिन पहले कुछ फोन आया है, कुछ आज ही लॉन्च हुआ है, लेकिन मुझे लगता है आपको इन्फॉर्म करना था कि भाई कौन सा फोन बेटर है, कौन सा फोन में कमियां है, क्या कमियां है, वो मैंने आपको मतलब शॉर्टकट तरीके से बताया। बाकी अगर आप डिटेल्स में कोई फोन के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करो, मैं अलग से वीडियो लाके दे दूंगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अच्छा वाला और कंटेंट देखना चाहते हो ये वाला वीडियो चेकआउट करो, या फिर चाहो तो ये वाला वीडियो देख लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग।